we gon' do this. I'm very happy that एक प्लेटफॉर्म में सबको देखने को मिल रहा है एंड देयर डिजाइन्स आर आउट हियर एंड आई होप दैट यू नो इट्स रीचेबल फॉर द पब्लिक हियर लोग आए खरीदे एंड आई विश देम ऑल द लक. Arwana एक मल्टी डिजाइनर स्टोर है एंड आई लव द स्टोर बिकॉज इट्स गॉट अ रेंज एंड वैरायटी फॉर ऑल एज ग्रुप फॉर ऑल ओकेजंस. दिस इज समथिंग लाइक अ वन स्टॉप एंड आई लव इट. सानपाड़ा सेक्टर 18 पाम बीच रोड इव्याना मल्टी डिजाइनर स्टोर्स का उद्घाटन रविवार को कैलेंडर गर्ल के हाथों संपन्न हुआ. कार्यक्रम में पंडित राठौड़, शिखा राठौड़, कैलेंडर गर्ल्स, अवनी मोदी, आकांक्षा पुरी, सत्ता रूपा एवं कई मान्यवर उपस्थित थे. इव्याना मल्टी डिजाइनर स्टोर सुहाटन के कार्यक्रम में फैशन शो का आयोजन किया गया. फैशन शो में अलग अलग डिजाइन के ड्रेस पेश किए गए. नवी मुंबई में पहले इव्याना मल्टी डिजाइनर स्टोर्स है जिसमें अलग अलग और लेटेस्ट वैरायटी डिजाइन के ड्रेस उपलब्ध है. आयमानाच्या माध्यमातून आम्ही नवी मुंबईकरांसाठी या फैशन इंडस्ट्री मध्ये असणारे सर्वात मोठे डिजाइनर्स, जे डिजाइनर्स स्वतःचे डिजाइन्स घेऊन आतापर्यंत आपल्याला मोठमोठ्या सेलिब्रिटींमध्ये, मोठमोठ्या सिने कलाकारांमध्ये दिसलेले आहेत, किंवा अगदी मुंबईकरांचा विचार केला तर प्रत्येकांना अशा आवडीच्या गोष्टी घेण्यासाठी टाऊन साईड मुंबई साईडला जावं लागतं. मग आपल्याच दारामध्ये किंवा आपल्याच घराजवळ आपल्यासाठी अशा गोष्टी का होऊ नयेत, या माध्यमातून, या उपक्रमातून INFD वाशी आणि एअर क्रिएशनच्या माध्यमातून आम्ही आयवाना मल्टी डिझायनर स्टोर्स येथे उपलब्ध करून दिलेले आहे. या स्टोर्समध्ये जवळजवळ 30 हून अधिक संपूर्ण भारतवर्षातून मोठमोठे डिझायनर्स यांचे गारमेंट्स अवेलेबल आहेत. जी आयडिया यही था कि नवी मुंबई में कोई मल्टी डिझायनर स्टोर नहीं है एंड सो वी वांटेड टू गिव नवी मुंबई व्हाट इट डज नॉट हैव एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव गॉट द बेस्ट इंडियन डिजाइनर्स जो पूरे इंडिया से हमने इकट्ठे किए हैं और बेस्ट डिजाइनर वेयर इधर नवी मुंबई में ऑफर कर रहे हैं अमेजिंग प्राइसेस पर जो आपको और कहीं नहीं मिल सकते. नहीं, आपको अगर एक ही जगह पे इतने सारे डिजाइनर्स के आउटफिट्स मिल रहे हैं तो आपको अलग अलग शॉप्स पे जाके परचेज करने का जरूरत नहीं है या पर्टिकुलर उनके आउटलेट पे जाके परचेज करने का जरूरत नहीं. ये है, यहाँ पे आइए, सब डिजाइनर्स के आउटफिट्स हैं, आइए जो पसंद आए उसे लेके जाइए. इनके कलेक्शन को देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंगिंग ऑन जाने वाला है, बहुत अच्छा कलेक्शन होने वाला है. डिजाइनर की ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं तो सुपर, बहुत अच्छा जाने वाला है इनका. वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ राज, MVTV. धर्माधिकार प्रतिष्ठान की ओर से संपूर्ण राज्य में स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं. रविवार को 20 दिसंबर को बेलापुर गांव में स्वच्छता अभियान मनाया गया. इस अभियान में सदस्य व नागरिकों ने अपनी सहभागी दर्शाई है. धर्माधिकार प्रतिष्ठान की ओर से राज्य भर में स्वच्छता अभियान मनाया गया. डॉक्टर नाना साहेब धर्माधिकार प्रतिष्ठान रेवदंडा इनके द्वारा डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकार एवं सचिन धर्माधिकार इनके मार्गदर्शन में रविवार 20 दिसंबर को नवी मुंबई शहर में स्वच्छता अभियान मनाया गया. बेलापुर गांव से राम मंदिर तक यह स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई. इस अभियान में सदस्य के साथ साथ नागरिक भी उपस्थित थे. बेलापुर गांव के परिसर को साफ सुथरा एवं घर को स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया गया यहाँ पर बाइट नागरिक एवं सदस्य का.
स्वच्छता अभियान में प्रतिष्ठान के सदस्य बड़े पैमाने पर उपस्थित थे। उन्होंने नवी मुंबई में 232 किलोमीटर के रास्ते, रेलवे स्थानक परिसर, बस स्टॉप, समुद्र किनारा परिसर को स्वच्छ किया। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रियंका, NVTV। 21 दिसंबर से मेट्रो पुल का काम खत्म होने के लिए कम से कम 2 महीने लगने के कारण इस यातायात के हैवी वाहनों का प्रवेश बंद किया गया है। साइन पनवेल महामार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहनों का आना जाना रहता है। 21 दिसंबर से मेट्रो पुल का काम खत्म होने पर कम से कम 70 दिन लगने वाले हैं, जिसके चलते हैवी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके लिए दूसरे रास्तों से हैवी वाहनों की यातायात चलाई जा रही है। मेट्रो के पुल का काम खत्म होने में कम से कम 2 महीने लगने वाले है, लेकिन नवी मुंबईकरों के लिए मेट्रो पुल बनना जरूरी है, जिसका खामियाजा हैवी वाहनों को उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NVTV। इस समाचार में बस इतना ही। मिलते हैं अगले समाचार में। नमस्कार।